नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। यूपी में निकाय चुनाव दो चरणों में होने हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी बीच सपा प्रत्याशी शिबा चांद सिद्दीकी का रोड शो चल रहा है, जहां पर हमारे संवाददाता विभांशु वहां पर मौजूद है। बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है, सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी है, प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनका समर्थन ले रहे हैं। बता दें कि इसी बीच सपा प्रत्याशी शिबा चांद का सिद्दीकी रोड शो चल रहा है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता विभांशु वहां पर मौजूद। विभांशु, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशियां अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने क्षेत्रों में जाकर समर्थन मारने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में प्राइम टीवी टीम अभी मौजूद है जानकीपुरम प्रथम वार्ड में, जहां से पार्षद पद की उम्मीदवार हैं शिबा चांद सिद्दीकी और इनके पति चांद सिद्दीकी। दोनों की अगुवाई में एक रोड शो का आयोजन हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे एक भारी जन समुदाय देख सकती हैं। इनके हाथों में कहीं ना कहीं अपनी प्रत्याशी के का होर्डिंग है, इनके हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा है और ये साफ तौर से इस रोड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव भी यहाँ आए हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। दिग्विजय जी, आप जानकीपुर प्रथम वार्ड में आए हुए हैं, किस तरह का समर्थन देखने को मिल रहा है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, भारी जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। देखिये, ये चांद सिद्दीकी द्वारा और शिबा सिद्दीकी द्वारा जो एक काम किए गए, जनता काम को पसंद करती है, दिन रात उपलब्ध रहते हैं। कोरोना काल में जब लोग घरों में बैठे हुए थे, तब ये लोगों को खाना पहुंचा रहे थे, लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। ये शिबा सिद्दीकी और चांद सिद्दीकी की मेहनत है, ये लोगों का प्यार है, इन्होंने दिन रात लोगों का काम किया है, सुख दुख में शामिल रहे हैं और ये जो सुख दुख में शामिल रहे हैं, लोगों की मदद की है, दिन रात खड़े रहे, उसी का नतीजा है कि आज आपको इतना भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और आने वाले तारीख में मैं आपसे कहता हूँ, फिर एक बार फिर चांद सिद्दीकी और उनकी वाइफ शिबा सिद्दीकी जो प्रत्याशी है, पूरे लखनऊ में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली पार्षद होंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव इनके समर्थन में आए हैं, इनके लिए वोट मांग रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि शिबा सिद्दीकी एक भारी मत से इस वार्ड से जीत के आएंगी। क्योंकि 4 मई को मतदान है, सभी अगर देखें तो मतदाता अपने मतदान देंगे, उसके बाद साफ होगा। मगर यहाँ तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रही होंगी कि क्षेत्र में जो इनका रोड शो चल रहा है, इस दरमियान इनके चाहने वाले, उनके समर्थक उन्हें फूल मालाओं से उन्हें स्वागत कर रहे हैं। मैं अभी अगर देखें तो चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं मुंह मीठा कराया जा रहा है, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं एक बार सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्षद के उम्मीदवार शिबा चांद सिद्दीकी को अपना समर्थन देने के लिए उमड़े हैं। इनके हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा है और देश का तिरंगा है। कहीं ना कहीं ये सभी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी की जीत की आकांक्षा को लेकर आज सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं। अब 4 तारीख को, 4 मई को देश के लोकतंत्र का यानी कि मतदान है। अब मतदान के बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जन सैलाब वोट में तब्दील हो पाएगा, वो 4 मई को के बाद साफ होगा, नतीजों के बाद साफ होगा। 4 मई को पहले फेज का मतदान है। मैं एक बार यहाँ की प्रत्याशी शिबा चांद सिद्दीकी से बात करूंगा। मैम, आज कहीं ना कहीं देखे तो हजारों की संख्या में आपके साथ समर्थक है, रोड शो कर रही है, क्या कहेंगी? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जनता ने मुझे पसंद किया और सराहा। मैं जनता के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, पुरुषों की तादाद और महिलाओं की तादाद एक समान है, हर वर्ग से आपको समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन को कितना आप वोट मानती हैं? बहुत ज्यादा मानते हैं और सब ही हमारा समर्थन करते हैं और हमें जिताएंगे, हमें पूरी उम्मीद है जनता से। जी चांद जी, कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो आप समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं और युवाओं के, यहाँ युवा जितने हैं सब आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं,
आज एक बड़ा जनसैलाब आपके साथ है, क्या कहेंगे? देखिए, आप जब नेतागिरी करते हैं तो आप हमेशा अपने साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए सदैव जब उपलब्ध रहेंगे तो आपकी टीम हमेशा ऐसे ही बड़ी हो जाएगी। और जब आप क्षेत्र में काम करेंगे, जनता आज काम को पसंद करती है, जनता चाहती है हमारी छोटी मोटी मूलभूत समस्याएं हैं वो उनका निस्तारण हो। अगर बात की जाए तो पिछले बार के नतीजों को देखा जाए तो आप रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और जहां तक मैं जान पाया आप दूसरे नंबर के सबसे अधिक वोटों से विजेता बने थे, ऐसे प्रत्याशी थे तो जो सबसे ज्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पे थे। इस बार की क्या स्थिति लग रही है आपको? इस बार भी पूरे प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनेगा, भारी बहुमत से जनता जिताएगी, क्योंकि जनता यहाँ खुद चुनाव लड़ रही है और यहाँ काम चुनाव लड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आपने काम किया है और काम के नाम पे हम लोग वोट देंगे, और पूरे प्रदेश के अंदर सबसे हाईएस्ट विनिंग इस बार भी होगी, ऐसी मुझे जनता से उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो जानकीपुर प्रथम वार्ड के प्रत्याशी के प्रतिनिधि और पति चांद सिद्दीकी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता निश्चित तौर पे हमें एक समर्थन देगी, जिसका कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी इस रोड शो में सम्मिलित हुए हैं। अगर बात की जाए तो लखनऊ के उत्तरी विधानसभा से प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला आज आई हैं इन्हें समर्थन देने। साथ ही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं आज इस रैली में नजर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा भी चांद सिद्दीकी और उनकी पत्नी सीबा चांद सिद्दीकी के समर्थन में आज रोड शो करते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकतंत्र के महापर्व 4 का पहला दिन, अगर देखें पहले फेज का पहला दिन 4 मई को मतदान होना है, और आने वाले दिनों में जब नतीजा आएगा तो देखने वाली बात होगी कि नतीजा किस तरफ आता है। अब साथी अगर आप देख रही हैं कि यहाँ भारी तादाद में कार्यकर्ताओं का हुज्म अपने नेता का, और कहीं ना कहीं अपने नेता को समर्थन देने के लिए आए हैं। उनके उत्साह को आप देख सकती हैं कि इनके अंदर काफी उत्साह है, भारी उत्साह है, और अब कहीं ना कहीं देखें तो इनके द्वारा उद्घोष किया जा रहा है अपने प्रत्याशी के जीत को लेकर। जी नंदिनी, कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशी जो है जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वादा कर रहे हैं कि जो भी काम अधूरे रह गए हैं उन्हें एक बार मौका दीजिए, वो उन्हें पूरा कर देंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी आमतौर पर जनता से तमाम वादे करते हुए नजर आते हैं, मगर कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद आप देख सकती हैं कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी अपने किए गए वादों पर कितना पूरा कर पाता है वो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर जनता इस वार्ड से जिसे चुनकर भेजती है तो अपने वादों पर कितना खरा उतरते हुए नजर आता है। नंदिनी विवांशु, रोड शो में देखा जा रहा है युवा जो समर्थक है कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, युवा समर्थन दे रहे हैं पूरा इनके रोड शो में। जी बिल्कुल, मैं कुछ युवाओं से बात करूंगा, कुछ महिलाओं से पहले बात करूंगा, क्योंकि ये सीट महिला की है और यहाँ से सीबा चांद सिद्दीकी महिला प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक भारी तादाद में महिला समर्थक उनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैम आपसे बात करेंगे, कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है समर्थन, रोड भी बनवा दिया है, पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अब तो बहुत कुछ हो गया है। 10 साल पहले यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, रोड पे निकलने वाला नहीं था, लेकिन अब तो रोड इतनी अच्छी हो गई है कि सब निकल सकते हैं। अपनी समस्याओं को अपने प्रत्याशी से आसानी से रख पाती हैं? हाँ, आसानी से रख पाते हैं, हम लोगों का निदान मिलता है। हाँ, पूरा बहुत काम होता है हम लोगों का, बहुत अच्छे से। अगर मिलता है तो हम लोग, इतनी भीड़ देख रहे हैं आप लोग, सब उनकी बहुत अच्छे से करती है सारा काम। जी बिल्कुल, तो साफ तौर से यहाँ महिला कार्यकर्ती थी, जिनका कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज राजधानी का लखनऊ का बदला हुआ है और मौसम सुहाना है, मगर इनके उत्साह में कहीं ना कहीं कमी देखने को नहीं मिल रही है। नंदिनी, क्या कुछ कहना चाहते हैं विभांशु, युवाओं से बात करिए, युवा क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ युवा है, अगर बात करें तो आप अगर देखें तो आज रोड शो का हिस्सा है, एक भारी जनसैलाब आप लोग के साथ चल रहा है, क्योंकि मैं सबसे पीछे हो चुका हूं, आप भी सबसे पीछे हैं, हमें ये बताएं कि कैसा जन समर्थन आपको देखने को मिल रहा है? जन समर्थन ये है कि पब्लिक
मैन पब्लिक में जी। मैं चाहूंगा कि आप सड़क के किनारे हैं, बाधित ना हो। मैं जनता को बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने लोग हम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, चार सिद्दीकी की चाहत पे काम पे ये डिस्मिस है, ये जनता दे रही है, ये कहीं पे बुलाए गए हैं, नदमी नहीं है, ये पितृ लोग हम समस्याओं को सुनी जाती है जी। आप अगर कोई समस्या लेके जाते हैं तो क्या आपके माननीय पार्षद सुनते हैं? बिल्कुल सुनी जाती है समस्या, कोई समस्या में कोई हल नहीं। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भैया हम परेशान हैं, समझ गए। जो आपको काम है वो काम तुरंत होगा, पैटर्न पर जो लिखना है या पढ़ना है, मतलब कहीं बच्चे के एडमिशन कराना है या क्यों कराना है, वो कराना है, या पानी कहीं पे बह रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये सब हम लोग मतलब कभी शिकायतें ही नहीं आई। जो 10 साल हम लोग करे हैं यह नतीजा है जी। आप क्या कहेंगे? जी हम ये कहने चाहते हैं, ये काम बढ़िया करते हैं भाई, बढ़िया चल रहा है। हम बहुत दूर से आए हैं, हम सीतापुर से आए हैं। तो आप यहाँ के वोटर नहीं हैं? वोटर नहीं, हमारे वहाँ खाला मामू नाना सब यहीं के रहने वाले हैं, बहन भी हमारी। अच्छा, आप बस समर्थन देने हैं, वोटर नहीं है? वोटर नहीं है। तो साफ तौर पे आप नंदनी सुन रही थी कि शिवा चांद सिद्दीकी के समर्थन में एक भारी तादाद आपने देखा, और इनका कहना है कि हम निश्चित तौर से इस भीड़ को वोट में तब्दील करेंगे। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम प्रथम वार्ड से हैं, जहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शिवा चांद सिद्दीकी चुनावी मैदान में है। इनके समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अभिषेक जी आए हुए हैं। अभिषेक जी, आप यहां जन समर्थन का एक सामने देखे हैं कि एक लंबा जन समर्थन शिवा सिद्दीकी के साथ घूम रहा है, आपको कैसा दृश्य देखने को मिला, नतीजे को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सब समाजवादी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से, इस भाव के साथ कि हमें हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ाव बनाना है, जुड़ के रहना है, उसके सुख दुख में शरीक होना है, उसकी खुशियों को बांटना है, उसके दुखों को कम करना है, उसके संघर्ष की आवाज उठानी, उसकी लड़ाई लड़नी है, चाहे किसी लेवल पर लड़नी पड़े, उस भावना से क्षेत्र में है। क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत साथ मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यही सीटें नहीं जिनके आज प्रचार कर रहे हैं, ये तो सारी जीत के आएंगे ही आएंगे, जानकीपुरम फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इसके साथ ही साथ लखनऊ में मेयर और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, आप सपा में एक मजबूत स्थिति में है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग विधानसभा में भी आपके वोट परसेंटेज ठीक ठाक थे, इस चुनाव में क्या स्थिति रहेगी सपा की? देखिए, आपने 3 सवाल कहे, मैं कह सकता हूं कि आज लगभग 100 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 8-9 हजार के मार्जिन से हारी है। अगर मोटा मोटा हमको 3-3.5 लाख वोट और मिले होते तो आज समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री होता, समाजवादी पार्टी सरकार होती, और आपको देखने को लखनऊ में काम मिल रहा होता, सिर्फ झूठे वादे और झूठे नारे और नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति न दिखती, लेकिन वो उतने हमारी कम रह गए। तो निश्चित रूप से हमारा और उनके बीच में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दूरी है जिसको हम लोग पार नहीं करेंगे, हम निश्चित रूप से पार करेंगे। इस चुनाव में मैं इतना मानता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि कोई चुनाव किसी का सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल नहीं होता। हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव के नायक अलग होते हैं, हर चुनाव के इश्यूज अलग होते हैं, हर चुनाव में आर्टिकुलेशन ऑफ विजन अलग होता है, हर चुनाव में जनता के मुद्दे अलग होते हैं, जिन चीजों पर मुद्दा चुनती है, जो चेहरे सामने होते हैं, जिसको चाहती है, जिसको नहीं चाहती है, जिसका साथ देती है, जिसके खिलाफ देती है, सारे मुद्दे अलग होते हैं। तो कोई चुनाव किसी का सेमीफाइनल नहीं है, ये चुनाव अपने आप में फाइनल है हमारे लिए, हम इसको फाइनल मान के लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, ताकत से लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के पूरे नेतृत्व का मार्गदर्शन हमारे साथ है, और सारा कार्यकर्ता सड़क पे है, बड़ी भारी संख्या में जीत के आएंगे। आखिरी सवाल अभिषेक जी, अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव में हमने देखा था कि आरएलडी और सपा गठबंधन एक बेहतर परिणाम ले आया था आपस में मिलकर। इस बार अगर देखें तो इस दोनों के साथ, दोनों नेताओं के साथ एक नई जोड़ी आई है, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी। कितनी पश्चिम से लेकर पश्चिमांचल देखे, अवध देखे, इन सब क्षेत्रों में कितना असर पड़ेगा इन तीनों जोड़ियों का आपके मुताबिक? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जहां भी आप अगर वोट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 40-42% वोट मिलता है। इसका मतलब है कि 100 में 60 आदमी पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। आप अगर प्रधानमंत्री मोदी का भी टैली देखेंगे तो आज तक की वन ऑफ द लोवेस्ट वोट परसेंटेज के साथ वो प्रधानमंत्री बने थे। लगभग 65% आदमी, 100 में 65 आदमी जो घर से निकल के जिसने वोट डाला था, वो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था।
तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके साथ अन्याय कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रही है, उनके साथ गलत कर रही है, वैसे वैसे जनता में ये भाव बन रहा है कि हमको ये सिर्फ नफरत की राजनीति में, हिंदू मुसलमान की लड़ाई में, जातियों की लड़ाई में फंसा करके हरा लेते हैं, हम सब इकट्ठा हो जाएं तो इनका जवाब देंगे। इस बार निश्चित रूप से ये आपने तो तीन बड़े चेहरों के नाम लिए जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में, हर पड़ोस में, हर बाजार में जनता इकट्ठा हो गई है और वो जनता जवाब देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि परिणाम हमारी पार्टी के पक्ष में आ रहा है और जनता 4 मई को जवाब देगी। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो सपा बासद प्रत्याशी शीबा चांद का सिद्दीकी का रोड शो था, आपने देखा कि किस तरीके से युवाओं और महिलाओं का जनसैलाब उनके साथ था, उनके समर्थन में युवा वहां पर खड़े हुए थे, महिलाएं भी वहां पर हमने देखी, बहुत सारी महिलाएं जो हैं रोड शो में उतरी, भारी जनसैलाब देखने को मिला, समर्थकों में भारी उत्साह भी देखने को मिला। नगर संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।